Good morning, friends. Welcome to JMC Study Hub. I'm your mentor, Kirti Khanna, and today we will be studying the limited effects theory of mass communication. In this, we will be studying the introduction, background, and the key players of the theory. As it is said that ki limited effects, aap naam se hi samajh sakte hain ki limited matlab seemit aur effects matlab asar. Ye theory mass communication ki theory hai, to mass communication ke perspective mein hi hum padhenge ki jo mass communication ya mass media hai ya jo मीडिया है उसका बहुत कम असर होता है, ऐसा ये थ्योरी आपको बताने की कोशिश करेगी. ठीक है, तो इस थ्योरी को ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट पॉल लज़ार्सफेल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने बोला है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उसके अपने थॉट्स, उसके अपने ओपिनियन, उसका अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग इन नेचर होता है कि जो मीडिया का फैक्टर है, आउटसाइड फैक्टर मीडिया है, इसमें उसका असर कम पड़ता है. ओके, ठीक है. तो ये आप दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इंडिविजुअल के अपने थॉट्स हैं, अपने उसके जो लोगों से वो पहचान के लोगों से डिस्कशंस करता है, अपने ग्रुप डिस्कशंस जो उसके होते हैं या उसके अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस सबके कारण जो उसका जो इंफॉर्मेशन का या मीडिया का इम्पैक्ट है उसके ऊपर, वो बहुत ही मिनिमल या ना के बराबर है या बहुत लिमिटेड है. ठीक, सी इस थ्योरी को अगर आप समझेंगे तो उसके लिए हमें जाना होगा पॉल लज़ार्सफेल्ड की दूसरी थ्योरी पे जो उन्होंने दी थी, वो है जो है पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी. अगर आपने मेरी वो थ्योरी नहीं पढ़ी है तो जेएमसी स्टडी हब पे जाएं और आप मेरा पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी का वीडियो देखें. ये थ्योरी है जब यूएस में इलेक्शंस हो रहे थे उसके ऊपर उन्होंने वोटर्स को स्टडी किया था कि किस तरीके से दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस वोटर्स के ऊपर होता है. जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने जो उसके कंक्लूजन या उसके जो आउटकम्स थे उनको उन्होंने जो वोटर्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया. पहली कैटेगरी थी कन्वर्ट्स की, दूसरी थी वेवर्स की और तीसरी थी क्रिस्टलाइजर्स की. सी ये थ्योरी थ्रू आउट द कैंपेन चली है, स्टडी जो थ्रू आउट द कैंपेन चली है, ये स्टडी थ्रू आउट द कैंपेन चली है. कन्वर्ट्स पहले वो वोटर्स हैं जो लोगों की बातों में आकर अपना वोट बदल दिए. सपोज दो पार्टी है, पार्टी ए पार्टी बी, एंड द वोटर हैज टू सिलेक्ट वन अमंग द पार्टी. स्टडी स्टार्ट होने से पहले उनसे पूछा गया कि आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे, उन्होंने कहा आई विल वोट पार्टी ए. फिर जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ी, कैंपेन आगे बढ़ा, वो लोगों से जो वोटर्स हैं वो लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करने लगे और अच्छा बुरा या जो भी उन्होंने डिस्कशन किया, उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप दोनों पार्टीज में से किसको चुनेंगे, तो उन्होंने पार्टी बी को सिलेक्ट किया. उनका इनिशियल प्रेफरेंस पार्टी ए थी और उनका जो लेटर प्रेफरेंस था वो पार्टी बी थी, तो इसलिए वो पार्टी ए से पार्टी बी पे शिफ्ट हो गए. सो दे आर कन्वर्ट्स, उन्होंने अपना ओपिनियन बदल दिया. वेवर्स, वेवर्स वो होते हैं जो थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाए. सी लाइक वेव, वो नीचे से स्टार्ट होके ऊपर जाती है लेकिन फिर एक टाइम के बाद नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है. दे फॉर्म वेव, मतलब वो फ्लक्चुएट करते रहे कि जान ए पार्टी को वोट करना, नहीं नहीं कभी बी को वोट करना है, फिर इन्फ्लुएंस में आ गए तो ए को वोट करना है, फिर इन्फ्लुएंस में आ गए तो बी को वोट करना है, तो ऐसे में वो डिसाइड नहीं कर पाए. तो ये थी दूसरी कैटेगरी वोटर्स की. तीसरी कैटेगरी थी क्रिस्टलाइजर्स. क्रिस्टलाइजर्स मतलब स्टडी शुरू होने से पहले उन्होंने कहा आई विल वोट पार्टी ए. जब स्टडी खत्म हो गई, कैंपेन खत्म हो गया, तो उनसे पूछा गया विच पार्टी यू विल चूज और वोट, तो उन्होंने कहा आई विल वोट पार्टी ए. जिनका इनिशियल और लेटर रिस्पॉन्स मैच हुआ वो थे क्रिस्टलाइजर्स, दे वर फिक्स्ड ऑन देयर ओपिनियंस. जिनका पूरी स्टडी के टाइम पे फ्लक्चुएट करता गया, कभी ए कभी बी, वो थे वेवर्स. और जिनका कन्वर्ट ही हो गया कि नहीं हम ए की जगह अब बी को ही वोट करेंगे, तो वो थे कन्वर्ट्स. ठीक है, इस थ्योरी में बताया गया है कि जो मास मीडिया है उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता जितना इंटरपर्सनल
कम्युनिकेशन का होता है। सी इस थ्योरी को और पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी को अगर हम साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, क्योंकि पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी में जो ओपिनियन लीडर्स थे उनका रोल बहुत मैटर करता था। वो लोगों से बहुत फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट करते थे, वो सोर्स के भी बहुत फ्रिक्वेंट टच में थे इसीलिए, और वो लोगों को बताते रहते थे बहुत जल्दी जल्दी या बहुत फ्रिक्वेंटली वो उनके कॉन्टैक्ट में थे, तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते थे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है वो मास मीडिया के इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा होता है, ठीक। और शायद जो कन्वर्ट्स या वेवर्स हैं वो इसी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कारण अपने डिसीजन को चेंज करे हैं या उसमें फ्लक्चुएशंस आए। ओके, क्रिस्टलाइजर्स पे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। सी जस्ट अ सेकंड, मेन प्लेयर इज द मीडिया। हु आर द मेन प्लेयर्स हियर? मेन प्लेयर इज द मीडिया। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है लेकिन उधर इन्फ्लुएंस की बात नहीं कही गई है, क्योंकि मीडिया लोगों पर उतना असर नहीं डालती है, लेकिन उसका काम है कि अगर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, उनको तो जानकारी देना मीडिया का काम है ना, इसीलिए मीडिया इसमें एक मेन प्लेयर है, इसमें एक की रोल प्ले करता है। सेकेंड है गेटकीपर्स। गेटकीपिंग थ्योरी हमने अभी पढ़ी थी, अगर आपने गेटकीपिंग थ्योरी का मेरा वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो टू जेएमसी स्टडी हब एंड सी माय वीडियो ऑन गेटकीपिंग थ्योरी। अगेन गेटकीपर्स होते हैं जो हाई क्लास है या जो एजुकेटेड क्लास है, उनको प्राइमरी गेटकीपर्स या कंज्यूमर्स कहा गया है, क्योंकि वही होते हैं जो सबसे पहले किसी भी मीडिया के द्वारा कोई भी जब मैसेज भेजा जाता है तो उसको कंज्यूम करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो दे आर द की प्लेयर्स और द की कंज्यूमर्स, वो इनिशियल कंज्यूमर्स होते हैं और द प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगेन देर इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द ओपिनियन लीडर्स, क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे उनका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बढ़ता है और लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड ओपिनियन फॉलोअर्स, जो ओपिनियन लीडर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं उनको ओपिनियन फॉलोअर्स कहा जाता है, राइट। सो देर आर मेन फोर की प्लेयर्स। फर्स्ट वन इज मीडिया, द सेकेंड वन इज द गेटकीपर्स, द वन हु डिसाइड कि आपको ये जानकारी किस तक पहुंचानी है, या जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उसके वो, ठीक है, फिर उनसे फिल्टर होके जानकारी आगे जाती है, ठीक। द थर्ड वन इज ओपिनियन लीडर्स एंड द फोर्थ इज ओपिनियन फॉलोअर्स, राइट। नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी। दिस थ्योरी फेल्स टू प्रूव कि जो सारे मीडिया हैं उनका इफेक्ट लिमिटेड है। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर मीडिया का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो, लेकिन इसने सिर्फ पर्टिकुलरली वोटिंग को फोकस किया है और टेलीविजन एंड जो मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स थे उनको फोकस किया है, इसने ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के मेथड्स को फोकस नहीं किया है। ओके, जो इन्फ्लुएंस के लाइक किस लेवल पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हाईली और इन्फ्लुएंस और यू आर लाइक नॉट एट ऑल इन्फ्लुएंस और मॉडरेटली इन्फ्लुएंस, ये किस कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही या कुछ कंडीशंस में ही ऑपरेट होता है। जरूरी नहीं है कि ओपिनियन लीडर्स ने कोई भी बात कही है तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा। ये थ्योरी ये नहीं बता पाती है कि किस लेवल पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। सी जो हमने से पहले थ्योरीज में बात करी है उसने कहा है कि जब भी ओपिनियन फ्रेमिंग की बात आती है, जब भी ओपिनियन लीडर्स की बात आती है, गेटकीपर की बात आती है, तो कुछ थ्योरीज मीडिया को क्रेडिट देती है, लेकिन इस थ्योरी ने इसको बिल्कुल नकार दिया है कि डिसीजन मेकिंग में या ओपिनियन मेकिंग में या ओपिनियन फ्रेमिंग में मीडिया का कोई रोल नहीं है। ओके, हाई लेवल ऑफ मीडिया पेनिट्रेशन इन सोसाइटी, इसने सोसाइटी में मीडिया का बहुत ज्यादा यूज तो बताया लेकिन किसके थ्रू बताया, ओपिनियन लीडर्स के थ्रू बताया। ओके, कि बहुत सारे लेवल से होके इंफॉर्मेशन जाती है जब तभी वो आखिरी तक पहुंच पाती है। सेकेंडली ये बोल रहा है कि मीडिया को अगर लोगों के बीच में रहना है तो उसे बहुत डीप जाना पड़ेगा, आप ऐसे सरफेस लेवल पे इंफॉर्मेशन देख के नहीं छोड़ सकते,
क्योंकि आपको सोसाइटी के आखिरी तबके तक वो जानकारी पहुंचानी है, इसीलिए मीडिया हैज टू मेक श्योर कि वो बहुत डीप डेप्थ तक मैसेज को कन्वे करे. अकॉर्डिंग टू लसार्सफेल्ड, मीडिया वॉज ऑनली आर री इन्फोर्स, मतलब जो ऑलरेडी मैसेज आ चुका है या ऑलरेडी जो सोसाइटी को पता है या जो चल रहा है उसको बार बार रिपीट करना या कंटिन्यूली बोलना, मतलब री इन्फोर्स करना, लोगों तक वो बात अच्छे से पहुंचा देना, उनके दिमाग में वो बिठा देना. लसार्सफेल्ड ने मीडिया का यही रोल बताया, लेकिन मीडिया के इसके अलावा बहुत सारे रोल हैं, जो रोल्स हम ऑलरेडी जेएमसी स्टडी हब स्टडी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज जस्ट गो टू जेएमसी स्टडी हब एंड सी माय वीडियोस, द फंक्शंस ऑफ मीडिया. ठीक है, तो यहाँ पे लसार्सफेल्ड इस बारे में चूक गए हैं कि मीडिया के जो दूसरे फंक्शंस है वो भी मीडिया करता है अपार्ट फ्रॉम रीइंफोर्सिंग, राइट. सो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ. अभी तक हमने जो पढ़ाई की है, लसार्सफेल्ड क्लासिफाइड यूजर्स यूएस वोटर्स इनटू 1, 2, 3, or 4 कैटेगरीज. इन हाउ मेनी कैटेगरीज the Lasarsfeld classified users US voters, it's the convert, the waivers and the crystallizers. Okay, so it's the option is option 3. Just let me highlight the option for you. It's option 3, right? Limited effects theory is given by Harold Laswell, Melvin de Fleur, Paul Lasarsfeld, and Dennis McQuill. The answer is C. Paul Lasarsfeld gave this theory to study the limited effect, the minimal effects of media on people. According to limited effects theory, media effects are intensive, extensive, both, none of the above. See, intensive means to limited area, extensive means covering large area. So this is intensive effects of media. Okay? Interpersonal influence and limited effects theory are strong, weak, neutral, none of the above. So it's strong, because if it wasn't strong to log kaise converts bante ya waivers bante to fir to sab crystallizers hi rehte, wo logo ke influence mein ya influencers ke influence mein ya opinion leaders ke influence mein aakar hi apna voting style ya voting preference badle hain. Primary gatekeepers are working class, ruling class, educated class, lower class. See, educated class is the right answer here, because in educated class they have easy access and primary reach. Unke paas, they are on the top of the ladder. Unke paas easily information aa jati hai. So they are the primary gatekeepers of the theory. Guys, humne abhi tak bahut sari mass communication ki theories padh li hain. Agar aapko koi bhi doubt hai, just let me know in the comment section. Aur agar aapko isse related aur videos, स्टडी मटेरियल, आपको डेली क्विजेस देखनी है, जस्ट लॉग इन टू जेएमसी स्टडी हब और वहां पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा. ठीक है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे आप डेली क्विजेस खेल सकते हैं, वहां पे यूजीसी नेट की पूरी तैयारी करवाई जाती है. और आप यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, यू जस्ट गो एंड वॉच. और अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन है, या आप किसी पॉइंट पे क्लियर नहीं हुए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मीट यू देयर ओनली. Thank you for studying at GNC Study Hub. Please do like, share, and subscribe our channel.